तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो। मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, अ प्लेनेट ऑफ मास है मूव्स इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन इफ द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट। ऐसा क्वेश्चन अपन जून 2011 के पेपर में कर भी चुके हैं कि आपको एक प्लेनेट दिया हुआ है जो सन के अराउंड घूम रहा है, जिसका मास एम है, और ये जो प्लेनेट है इसका मास है स्मॉल एम। ये आपकी है सेमी मेजर एक्सिस और ये आपकी सेमी माइनर एक्सिस। तो मैंने आपको कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो चीजें लिख लेनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखोगे तो यहां मान लो स्पीड है v1, यहां मान लो स्पीड प्लेनेट की है v2, तो यहां एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जी एम एम डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर। इस पॉइंट पे लिख रहा हूँ माइनस जी एम एम बाय बी। तो ये तो आ गया आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन से, और मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि इस पॉइंट पे लिखोगे एम वी आर एम वी वन आर कितना है ए, और यहां कहता है एम वी टू बी। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और जो पहले क्वेश्चन कराया था उसके अंदर एनर्जी निकालनी थी। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है v1 v2, सोल्व कर लो। यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, v2 b by a, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, हाफ m v1 स्क्वायर कितना है v2 स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस g m m बाय a इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g m m बाय b। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से v2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से क्या कर सकते हैं अपन, v2 स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे, हाफ एम v2 स्क्वायर कॉमन कितना आ गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जी एम एम क्या आ जाएगा, कॉमन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। सॉरी गाइस, ये यहां पे 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी आएगा। जब ये इधर जाएगा तो जी एम बाय एम बाय ए माइनस जी एम एम बाय बी, तो जी एम एम कॉमन आ गया 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, वी टू स्क्वायर बाय टू ये कितना आएगा, ए स्क्वायर। यहां क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए और बी प्लस ए, और यहां एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जी एम ए बी बी माइनस ए। तो यहां पे क्या आ रहा है, बी माइनस ए दोनों तरफ आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस ए, ये एक ए यहां से कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जी एम, ये ए ऊपर चला जाएगा, बी पहले से ही है यहां पर, और ये चला जाएगा ए प्लस बी। तो वी टू का स्क्वायर आ गया अपने पास, तो वी टू कितना हो गया इसका रूट, तो अपने पास वी टू की वैल्यू आ गई। अब अपन को निकालने को क्या बोला है उसने, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना था, एम वी टू बी और एम वी वन ए। तो अपने पास वी टू की वैल्यू है तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम वी टू कितना है, 2 जी एम ए डिवाइडेड बाय बी ए प्लस बी। इसका क्या अपने पास रूट, और मल्टीप्लाई में क्या अपने पास बी, ठीक है। अब सारा जो आंसर है वो क्या है, रूट के अंदर है, तो अपन क्या करेंगे, इस एम और बी को भी अंदर ले जाएंगे। जब ये अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 2 जी एम, ये अंदर जाएगा एम स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, एक बी ऊपर पहले से ही पड़ा है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ए पहले ही है, बी नीचे है, और ये ए प्लस बी, तो ये एक भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 2 जी एम स्मॉल एम स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही किया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पढ़ो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है,
The Hamiltonian of a simple pendulum consisting of a mass m attached to massless string of length l is given by. Hamiltonian given है आपके पास और पूछ रहा है if l denotes the Lagrangian then value of dl by dt. तो आपको क्या करना है, dl by dt निकालना और Hamiltonian given है. Hamiltonian कितना है, p square theta by 2m l square plus m g l 1 minus cos theta. ये Hamiltonian given है और आपसे पूछ क्या रहा है, dl by dt कितना होगा. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल का टोटल टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. इसके टोटल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू होती है एल का एच के साथ. क्या ले लोगे आप, ये जिस भी डायनेमिकल वेरिएबल का अपने को टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालना है उसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट ले लोगे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सबसे पहले हैमिल्टोनियन दिया हुआ है तो आप इसको लैग्रांजियन निकाल लोगे और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं. वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको. तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करो, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, पी स्क्वायर बाय 2m. ठीक है, m यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे m कितना है, ये ml स्क्वायर. तो पी स्क्वायर बाय 2m, तो इसका कोरस्पोंडिंग लैग्रांजियन कितना होता है, हाफ m x डॉट स्क्वायर. तो हाफ m कितना है, ml स्क्वायर. और ये कोऑर्डिनेट कितना है, थीटा. तो थीटा डॉट स्क्वायर. t प्लस v और लैग्रांजियन t माइनस v, तो ये आ गया माइनस m g l 1 माइनस cos थीटा. अब ये लैग्रांजियन के अंदर कहीं भी टोटल टाइम वो टाइम की टर्म नहीं आ रही, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना होगा, जीरो होगा. तो एक टर्म तो अपने पास आ गई और अपन को क्या निकालना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव dl by dt, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, l h प्लस dl by dt. तो ये टर्म तो अपने पास है जीरो. अब इसकी वैल्यू निकालनी है, पॉइजन ब्रैकेट लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का. अब उनको पता है कि जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू और पी निकालते हैं. ठीक है, क्यू आई पी आई, यहाँ पे क्यू कितना है थीटा और पी कितना है पी थीटा. तो अपना लैग्रांजियन किसमें होना चाहिए, थीटा में और पी थीटा में. हैमिल्टोनियन किसमें होना चाहिए, थीटा में और पी थीटा में. देखो लैग्रांजियन तो आपका थीटा और हैमिल्टोनियन तो आपका थीटा और पी थीटा में है, बट लैग्रांजियन आपका किसमें है, थीटा डॉट में और थीटा में, क्योंकि स्टैंडर्ड तो यही होता है ना. लेकिन अपने को कन्वर्ट किसमें करना है, थीटा में और पी थीटा में. तो इस थीटा डॉट का रिमूव करना पड़ेगा. तो थीटा डॉट का रिमूव करने के लिए भाई डेल एल बाय डेल थीटा डॉट करोगे कितना आएगा, पी थीटा. ऐसे निकलता है मोमेंटा, तो एल का थीटा के साथ करोगे कितना आएगा, थीटा डॉट स्क्वायर का टू आगे आ जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया एम एल स्क्वायर थीटा डॉट. तो थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पी थीटा बाय एम एल स्क्वायर. तो ये वैल्यू अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, ये वैल्यू अपन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, थीटा डॉट स्क्वायर कितना आएगा, थीटा डॉट स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर थीटा बाय एम स्क्वायर एल रेज टू द पावर 4. ठीक है, तो थीटा डॉट स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, पी स्क्वायर थीटा बाय एम स्क्वायर एल रेज टू द पावर 4. तो एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा एम एल स्क्वायर. ठीक है, तो अब अपने को पॉइजन ब्रैकेट निकालना है किसका, एल और एच का. और अपन को पता है जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वन बाय आयोटा एच कट कम्यूटेटर ब्रैकेट. क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट तो अपने को पता है कितना होता है, एक्स पी एक्स का, वाई पी वाई का. तो अपन वो यूज करेंगे. ठीक है, तो अपन निकालते हैं वन बाय आयोटा एच क्रॉस पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू वन बाय आयोटा एच कट कम्यूटेटर ब्रैकेट. कम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, एल का और एच का. कम्यूटेटर ब्रैकेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये कितना है, पी स्क्वायर थीटा बाय टू एम एल स्क्वायर माइनस एम जी एल वन माइनस कोस थीटा. ये एल हो गया आपका, और एच कितना आएगा, पी स्क्वायर थीटा बाय टू एम एल स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कोस थीटा. ये आपका आ गया
एल ओ एच। अब अपन को वैल्यू निकालनी है, अब अपन को पता है जैसे एक्स और पी एक्स का आयोटा एच कट होता है, वैसे थीटा और पी थीटा का कितना होगा, कम्यूटेटर ब्रैकेट आयोटा एच कट, थीटा और थीटा का क्या होगा जीरो, पी थीटा और पी थीटा का क्या होगा जीरो। तो अब देखो इसका इसके साथ करोगे, ये पी थीटा का स्क्वायर है, ये पी थीटा का स्क्वायर है, पी थीटा का पी थीटा के साथ जीरो, इसका इसके साथ देखो ये पी थीटा है और ये थीटा है, तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक तो कम्यूटेटर ब्रैकेट इसका अपने पास बचेगा एम जी एल वन माइनस कोस थीटा, और एक देखो एम जी एल वन माइनस कोस थीटा को जब इसके साथ करोगे तो एक ये बचेगा, तो एक कम्यूटेटर ब्रैकेट आपके पास ये बच गया प्लस वन बाय आयोटा एच कट, और एक कम्यूटेटर बच गया माइनस, माइनस बार ले लो, माइनस बार आ गया, ये आ गया एम जी एल वन माइनस कोस थीटा और पी स्क्वायर थीटा बाय टू एम एल स्क्वायर। एक इसका करोगे इसके साथ तो थीटा और थीटा तो वो क्या हो जाएंगे जीरो। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो एम जी एल कॉन्स्टेंट है, टू एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये सारा क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा पी स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो यहां पे क्या हो रहा है, माइनस वन बाय आयोटा एच क्रॉस एम जी एल डिवाइड बाय टू एम एल स्क्वायर सेम ही है। अब देखो ये है पी स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा और पी स्क्वायर थीटा, अगर इसको अपने उल्टा लिख देंगे पी स्क्वायर थीटा होगी तो ये माइनस साइन आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर थीटा, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट ए और बी का वो किसके इक्वल होता है माइनस बी और ए के, तो ये कितना आ गया पी स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोस थीटा। देखो ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, यानी कि ये चीज क्या होगी ट्वाइस, ये चीज कितनी होगी ट्वाइस, तो बस अब अपने वो इसका सॉल्व करना है, ट्वाइस आयोटा एच क्रॉस, ये क्या कैंसिल हो रहा है एम से एम कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है, जी बाय टू एल, टू से टू भी कैंसिल हो रहा है। अब अपन को क्या निकालना है पी स्क्वायर थीटा का और वन माइनस कोस थीटा का। अब देखो ये पी स्क्वायर थीटा का वन के साथ करोगे तो जीरो, पी स्क्वायर थीटा का माइनस कोस थीटा के साथ करोगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा पी स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो, फिर गलती होने गुंजाइश मिलेगी। अब क्या करोगे देखो, जब भी पी स्क्वायर और एक्स का कुछ आ जाए तो अपन कैसे करते थे, ये जो फंक्शन होता था इसको क्या करते थे डिफरेंशिएशन एफ डैश पी, और फिर किसका करते थे पी और एक्स का, तो यहां पे क्या होता था पी स्क्वायर का कितना होगा टू पी और फिर आएगा कम्यूटेटर ब्रैकेट पी और एक्स का। सिमिलरली यहां पे कितना आएगा माइनस जी बाय आयोटा एच क्रॉस एल, तो ये आ जाएगा टू पी थीटा बार, अंदर बचेगा पी थीटा और कोस थीटा। अब यहां पे थीटा नहीं है, थीटा का भी फंक्शन है, तो थीटा के फंक्शन में भी अपन ऐसे करते थे, यहां पे मान लो एक्स स्क्वायर है और पी है तो अपन क्या करते थे एफ डैश एक्स और फिर एक्स और पी का लिखते थे, तो यहां पे कितना होता था टू एक्स फिर एक्स और पी का। सिमिलरली यहां पे कोस थीटा है तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन थीटा माइनस जी टू पी थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ गया आयोटा एच क्रॉस एल। अब बचा अपने पास यहां पे पी थीटा और थीटा। अब एक्स और पी का कितना होता था आयोटा एच क्रॉस, पी और एक्स का कितना होता था माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो इसका कितना होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस, कितना आएगा इसका माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस। तो अब माइनस बार आ जाएगा, ये आयोटा आयोटा कैंसिल, ये एच क्रॉस कैंसिल, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अपने पास आंसर कितना आएगा माइनस टू जी बाय एल पी थीटा साइन थीटा, यानी कि ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना करेक्ट, ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया ए ऑप्शन, जो कि है माइनस टू जी बाय एल इंटू पी थीटा साइन थीटा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो
तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन वाली, उसमें मैंने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हैमिल्टोनियन कब टोटल एनर्जी को कोरस्पोंड करता है। हैमिल्टोनियन हर बार टोटल एनर्जी के इक्वल नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसके लिए हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को कोरस्पोंड करता है, वो भी उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल ओबेइंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको गिवन है, वो कह रहा है इसमें से कौन सा फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखो, एक एलिप्स दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। बी ऑप्शन के अंदर एक कुछ ऐसे हाइपरबोला उल्टा हाइपरबोला दिया हुआ है और एक आपको उसके अंदर एलिप्स दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एलिप्स और फिर जो इन्वर्टेड हाइपरबोला है वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपने को पता है कि टू फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज कैन नॉट इंटरसेक्ट, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया इसके अंदर करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने से पूछा ही गलत है और जो गलत है वही सही है। डी ऑप्शन के अंदर एलिप्स बना रखे हैं कंसेंट्रिक एलिप्स, वो हो सकते हैं क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो एक जो उसने पूछा है कि नॉट पॉसिबल, तो सी ऑप्शन क्या है अपना, नॉट पॉसिबल बिकॉज टू फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड पे पांच नंबर का क्वेश्चन फ्री का मार्क्स रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास m आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस रिजिड रोड ऑफ लेंथ l लाइंग इन द xy प्लेन विद सेंटर ऑफ द रोड एट द ओरिजिन। इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक रोड दी हुई है जिसकी लेंथ l है और ये मासलेस है, इसका खुद का कोई मास नहीं है, लेकिन यहां पे एक मास है और यहां पे एक मास है, सेम मासेज है। ठीक है, xy प्लेन में लाई कर रहे हैं और इनका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है l by 2 और ये डिस्टेंस कितनी है l by 2। इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, अब ये अपनी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस क्या हुई, ये एक्सिस x क्रॉस y z, तो ये अपनी एक्सिस कैसी है, z एक्सिस है, इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है, यानी कि सिस्टम कैसे रोटेट कर रहा है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये मान लो रोड है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। आपने को पता है एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग सिस्टम का लिखने के लिए क्या लिखते हैं अपने, आई ओमेगा, ओमेगा आपको दी हुई है उसने, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सिंपल 11th क्लास की फिजिक्स से ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सिस से ये एक्सिस अगर ओमेगा से घूम रही है, यहां कोई मास है और ये डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एल बाय टू, तो मास इसका एम है और आर स्क्वायर यानी कि एल बाय टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस केस के लिए भी सेम है, m इक्वल टू, क्योंकि ये सेंटर पर है तो l बाय टू दोनों की डिस्टेंस है, ये आ गई l बाय टू का स्क्वायर, तो ये आ गई m l स्क्वायर बाय 4 प्लस m l स्क्वायर बाय 4। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m l स्क्वायर बाय 2। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, i ओमेगा, क्योंकि ये अपना कौन सा एक्सिस सिस्टम बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम। देखो l इक्वल टू i ओमेगा इक्वल हो, L इक्वल टू आई ओमेगा हो हर बार जरूरी नहीं है, यस L जरूरी नहीं है ओमेगा के पैरेलल हो, ये तब होता है केस जब जो एक्सिस है अपनी वो प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम ना हो। अपने को पता है प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम क्या होते हैं, जो कि अबाउट सिमेट्री हो या फिर जिनका रिफ्लेक्शन प्लेन बन रहा हो। जैसे कि देखो अगर मैं इस रोड को यहां से कट करूं तो ये इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या दिखेगी मुझे, सिमेट्रिक दिखेगी। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम होगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम ये होगी। उसके बाद अगर मैं इसके अबाउट देखूं, इसके अबाउट देखूंगा तो इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी यानी कि ये वाली एक्सिस, वो भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस ये है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो तीसरी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, ये होगी, वो है अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ठीक है,
तो ये एक्सिस थ्योरम काम आती है प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए, और जो सिमेट्री है वो भी काम आती है अपने को पता करने के लिए कि अपनी जो एक्सिस सिस्टम गिवन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इस केस में सिमेट्रिक है और अपनी जो एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जब होती है तो एल और ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। अदरवाइज अब अपने बड़ी क्लास में हो गए तो अपन को पता होना चाहिए एल किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा, और ये ओमेगा यहाँ पे क्या आता है, टेंसर। यस टेंसर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड 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 जेड। बट ये क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम है तो ये जो क्रॉस टर्म्स होती हैं एक्स वाई, वाई एक्स, वाई जेड, जेड एक्स, ये जेड वाई, ये क्या होती हैं, जीरो, और केवल बचती हैं अपने पास आई एक्स एक्स, जीरो जीरो जीरो, आई वाई वाई, जीरो जीरो जीरो, आई जेड जेड। ठीक है, तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आयलर इक्वेशन के केस में। तो यहां पे अपना जो एक्सिस सिस्टम है वो प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा होगा। आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाय टू, और ओमेगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओमेगा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाय टू, जो कि करेक्ट है ऑप्शन बी, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाय टू। तो ये 5 मार्क्स के अंदर था ये क्वेश्चन भी पार्ट सी में, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द म्यूऑन हैज अ मास 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, जो इसका रेस्ट मास है, एंड मीन लाइफ टाइम 2.2 माइक्रोसेकंड इन इट्स रेस्ट फ्रेम। द मीन डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय म्यूऑन ऑफ एनर्जी 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिफोर डिकेइंग इज। तो अपने पास इसकी रेस्ट फ्रेम के अंदर, इसका मास कितना दिया हुआ है, 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट सी स्क्वायर, और जो प्रॉपर टाइम इंटरवल वो कितना दिया हुआ है, 2.2 माइक्रोसेकंड। अब वो मूव कर रहा है 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, जो कि इसकी एनर्जी है, ठीक है, बिफोर डेकेइंग। अब डिके करने से पहले कितने डिस्टेंस ट्रांसफर करेगा, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ना तो अपन को वेलोसिटी पता, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो भी हो, ना ही अपन को टाइम पता। ये तो रेस्ट फ्रेम के अंदर इसका डिके टाइम है 2.2 माइक्रोसेकंड, लेकिन अपने को पता है जब कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो टाइम है वो डायलेट होता है। टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब यहां टाइम कुछ ऐसा आएगा जो 2.2 माइक्रोसेकंड से बड़ा होगा। तो वो तो अपन इजीली निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, टी इक्वल टू टी जीरो, वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। लेकिन निकालेंगे कैसे, अपने पास तो वी नहीं है, वी कहां से आएगा, वी आएगा यहां से। एक आपके पास एनर्जी दी हुई है 315, एक आपके पास दी हुई है 105। रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, 105, लेकिन जब वो वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मास क्या होता है, बढ़ता है। मास का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एम इक्वल टू एम नोट, वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। ये अपने पास रेस्ट मास होता है और ये अपने पास होता है जो मास, रिलेटिविस्टिक मास है। ये अपने पास होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल, जो कि रेस्ट फ्रेम में होता है, और ये होता है डायलेटेड टाइम। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, डायलेटेड टाइम, ये अपने पास है डायलेटेड टाइम। तो अपन टी कहां से निकालेंगे, टी जीरो बाय वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, लेकिन वी कहां से निकालेंगे, यहां से। अपने को एम कितना दिया हुआ है, 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट सी स्क्वायर। एम जीरो कितना दिया हुआ है, 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और ये कितना है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। तो ये तो कैंसिल होगी यूनिट्स, 105 को 3 टाइम्स करेंगे 315 आ जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर कर दो, तो ये 1/3 जाके इधर कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को इधर ले जाओ, 1 माइनस 1/9, तो ये कितना आ गया,
एट बाय नाइन, इसका रूट करोगे तो वी कितना आएगा, एट का रूट टू रूट टू, नाइन का रूट थ्री, और यहां पे आ गया सी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, टू रूट टू सी बाय थ्री। अब अपन को क्या निकालना है, टाइम, डायलेक्ट्रिक टाइम, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा अपना, डिस्टेंस होगा वी इंटू टी, तो वी तो अपने पास आ गया, अब टी निकालना है। टी के लिए ये रहा फॉर्मूला, डायलेटेड टाइम कितना आएगा, टी जीरो 2.2 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर कितना है, 8 सी स्क्वायर बाय 9, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 8 बाय 9, तो ये कितना आ गया 1 बाय 9, 1 बाय 9 का रूट 1 बाय 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 6.6 माइक्रो सेकेंड। तो देखो टाइम बढ़ गया, ये हो गया डायलेटेड टाइम, टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 1.98 किलोमीटर। या आप खुद से सोल्व कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, सी की वैल्यू रखनी है 3 × 10⁻¹, और ये जो माइक्रो सेकेंड है इसको कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड्स में, 10⁻⁶ सेकेंड। तो इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा किलोमीटर्स में, जो कि है 1.98 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस जो आप पूछे गए थे दिसंबर 2012 के अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर अपन ने लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।